दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपका दसू आचार्या और आज आपका भाई देखिए किस जगह पे आया है, जस्ट ब्रिज के नीचे। और आज हम लोगों ने ट्रैकिंग करते हुए दानापुर से दीघा तक की सफर किया है और इसका वजह ये है कि पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है कि हम लोग अपने दो चक्के बाइक से अपने दो टांग पे आ गए हैं। तो फाइनली आज आपका भाई अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दीजिएगा कमेंट में अपने भाई को, ठीक है? तो आज मैं हूँ अजीत के साथ और अमन भाई है। कैसा लग रहा भाई यहाँ पे पहुँच के? अरे बहुत पैर का मजा आया आज। ट्रैकिंग करते हुए हम लोग क्या हुआ, बांध के रास्ते से आए, मेन रोड से नहीं आए। और खास बात यह है कि इस जगह पे जब आप आइएगा तो ये गर्मी के मौसम में जबरदस्त जगह है भाई, क्या हवादार जगह है। और अपना पटना का लुक तो आप भाई साहब मेरे पीछे देख सकते हो, क्या रोड है यार। मोन्टास में जब आपको माहौल बना के दिखाएंगे तो भाई कसम से मजा आ जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत कुछ है स्पेशल आज के इस ब्लॉग में। तो आज ट्यूजडे का दिन है और आपने पिछले वीडियो देख ली होगी जो संडे को हम लोगों ने शूटिंग किया था, और मंडे को हम लोग काफ़ी थक चुके थे क्योंकि हम लोग जिम जाते हैं, फिर शूटिंग भी करना रहता है और रेस्ट भी करना रहता है और अपना आप लोगों के लिए जो ब्लॉग बना रहे हैं तो वो भी करना रहता है। इस वजह से अजीत भाई थोड़ा शर्मा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे। हम लोग को उस सोनपुर ब्रिज तक का सफ़र अभी तय करना है पैदल अपने दो पैरों पर, तो वहाँ पहुँचेंगे फिर आपसे बात करेंगे। आइयो, हम लोग दौड़ते दौड़ते फाइनली आ चुके हैं जहाँ हम लोग को आना था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ब्रिज है और मेरे पीछे झूठा है साला, फिर पैदल आया, धीरे धीरे चल के दौड़ते दौड़ते आया। ये स्क्रिप्टेड है, ये सब स्क्रिप्टेड है, अजीत भाई ने स्क्रिप्ट किया। मैं सही में फाइनली आपका भाई दौड़ के आया है, ठीक है? क्योंकि आपका भाई रनर है, जिमर है, ट्रैवलर है, ब्लॉगर है, एक बुंद पसीना नहीं चल रहा है, कैसे दौड़ के आया? पसीना भाई, ये सन इतना तेज धूप है, इतना तेज धूप है। अरे भड़ुआ चुप मत, इतना तेज धूप है, सॉरी यार बल्गर हो गया। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। हेलो, मेरे पीछे अभी देख रहे हो ट्रक स्कैम हो गया। ट्रक इस तरफ से आ रहा था, हम तीनों सामने की ओर जा रहे थे और ट्रक वाले भाइयों ने, जो भैया ड्राइवर हैं, ऐसा ट्रक तो घुमाया कि हम तीनों दिशाओं में चले गए। कैसा एक्सपीरियंस था बताइए मिश्रा जी? मरने के मौत के मुंह से निकल के आया है लगा। तो भाई देखिए, हम लोग इतने गर्मी में धूप में चल रहे हैं, बताइए मरते मरते बच रहे किसके लिए? आपके लिए। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए भाई लोग। तो सपोर्ट कैसे दिखा सकते हैं जीत भाई, बता दीजिए जरा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलिए, बेल का नोटिफिकेशन को दबा दीजिए जिससे आने वाली हमारी, तो तोड़ दीजिए फोड़ दीजिए एकदम एकदम आपको मिलती रहे, सब वीडियो मिलेगा, सारा व्लॉग मिलेगा, डेली व्लॉग मिलेगा। तोड़िए लाइक को दबा के तोड़िए, आज ऑफिशियल आदमी आज दूसरा चीज तरह ट्राई कर रहा है। भाई बच गए, बचने के साथ साथ भाई लोग खुशी भी है कि हम लोग फाइनली आ चुके हैं उस जगह पे। ये है जेपी सेतु ब्रिज जहाँ हम लोग आए हैं, और किस लिए आए हैं ये आपको जानना है तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ आगे तक। बैठ चुके हैं और यहाँ पे जो हम लोग फील कर रहे हैं भाई, पानी वगैरह सब पी रहे हैं, जो यहाँ पे फील कर रहे हैं आके लग रहा है कि हम लोगों ने तकरीबन 45 मिनट तक ट्रैकिंग किया है दानापुर से, बांध के रास्ते से होते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं रेलवे ट्रैक है, ये दीघा का रेलवे ट्रैक है, और हम लोग अभी जेपी सेतु ब्रिज के नीचे हैं, ठीक है? और जो व्यू है भाई यहाँ का गजब है एकदम, बोले तो आप जब यहाँ आइए, गर्मी में जो हवादार एकदम ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है ना भाई, मज़ा आ रहा है। हम लोग यहाँ सीटों पर बैठे हुए हैं, पानी पी रहे हैं, थोड़ा सुस्ता रहे हैं, ठीक है? पानी नहीं पी सकते आप लोग जान रहे हैं, आप लोग घर बैठिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पानी वगैरह पी ले, फिर यहाँ पे आए हैं फोटो शूट करने के लिए, ठीक है? और ये ऐसा जगह है पटना में, जैसे आप किसी बड़े शहर में जाते हैं तो एक ऐसा जगह होता है जहाँ से आप ऊंचाइयों पर बैठते हैं, मतलब काफ़ी ऊंचा जगह होता है, खाली जगह होता है, नेचुरल जगह होता है, और वहाँ से आपको पूरा शहर नज़र आता है। तो हम लोग फिलहाल एक ऐसी ही जगह पर बैठे हुए हैं, यहाँ से आप जब सामने, मेरे सामने पूरा पटना शहर दिख रहा है, पटना शहर का विश्वकुमार भवन हो या पटना शहर का कोई भी बड़ा बड़ा जो भी सब चीज़ दिखता है, पूरा शहर का जो नज़ारा यहाँ से आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ से आप पूरे पटना शहर को देख सकते हैं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, यहाँ से पूरा पटना का जो व्यू आता है, आप यहाँ पे बैठ जाइएगा, वहाँ बैठने की काफ़ी सारी जगह हैं, आप कहीं भी बैठ जाइए और यहाँ पे बैठ के अपना समय आप जो गुजार सकते हैं, गर्मी से थोड़ी सी राहत पा सकते हैं, यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। आप अपने दोस्तों, साथियों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिसके साथ भी आना चाहते हैं, अपने परिवार,
किसी के साथ भी आप आ सकते हैं यहाँ पे और यहाँ का मजा ले सकते हैं। और यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हम लोग जो अभी हैं हम लोग ब्रिज है उसके जस्ट नीचे हैं। और मेरे पीछे जो रास्ता जाता है ये सीधा आप पैदल जो भी लोग हैं इस ब्रिज के नीचे से सोनपुर तक जा सकते हैं। और रेलवे ट्रैक मेरे दोनों तरफ है, मेरे इस तरफ भी और मेरे इस तरफ भी है। और हम लोग आए हैं दानापुर से ट्रैकिंग करते हुए इस जगह तक आए हैं। और भाई जब आप यहाँ आइएगा ना तो ऊपर से जब गाड़ियाँ बड़ी हैवी जो व्हीकल्स जब जाती है ना तो बड़ी गाड़ियों की वजह से ये थोड़ा पुल थोड़ा सा हिलता है, जैसे कि हम लोग का महात्मा सेतु ब्रिज जैसे थोड़ा सा हिलता है उस तरह से। तो आप डरिएगा नहीं, पुल बहुत मजबूत है, काफ़ी अच्छा है, हवादार मौसम यहाँ पर है। और साथ ही यहाँ पर आप आइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम लोग का तो फोटोशूट हो चुका है और हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। आप भी यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं। पटना में एक ऐसी जगह जहाँ जहाँ आपके बगल में गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे तक पटना बसा हुआ है। यहाँ से गंगा नदी का व्यू और पीछे पटना शहर का व्यू, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है भाई ज़बरदस्त है। आप यहाँ आइए, इन्जॉय करिए और ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे बिहारी बाबू पे बने रहिए। और ऐसे पर्सनल ब्लॉग आपको मिलती रहेगी। तो मैं हूँ सूरज आर्या पटना से, मेरा भाई अजीज आप सभी का जो जानते हैं इनको एडिटर है, और इंस्टाग्राम पे हम सभी का लिंक होगा, फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स रहते हैं। थोड़ा सा आप लोग थके हुए हैं, पैदल चल के आए हैं, उनसे गुजरते हुए आए हैं, तो हम लोग थोड़े से अजीब से दिख रहे होंगे। और साथ में हम लोग का ये मतलब कुछ प्री प्लान नहीं था, हम लोग का सडनली प्लान बन गया है। तो हम लोग के पास अभी मैंने ट्राईपोर्ड और जो हम लोग का माइक है दोनों घर पे रह गया है। तो अगर जो भी आप लोगों को परेशानी हो रही हो आवाज़ में या फिर वीडियो का जो क्रॉप हो रहा है थोड़ा वीडियो जो हम लोग घुस जा रहे हैं, खैर इन सब चीज़ों को माफ़ करिएगा और ब्लॉग्स इंजॉय करिए। हम लोग मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग के एग्ज़ाम में जो एक दोस्त थे उनसे मिलवाते हैं आपको, क्योंकि वो यहीं रहते हैं तो उनसे हम लोग का सडनली मुलाकात हो गया, तो उनसे मिलवाते हैं फिर आप। और कैसे हो भाई? बढ़िया। तो भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? सुकून की ज़िंदगी है। तो आपका नाम क्या है बता दीजिए पब्लिक को। आदित्य पाठक जी हमारे मित्र हैं। और आपको यहाँ पे आना कब से पसंद करते हैं आप? यहाँ पे आना डेली शाम में यहाँ पे आते हैं, डेली शाम में आते हैं क्योंकि आप पे जस्ट लोकल है यहाँ के ना, आप दिखा के इस वजह से। तो यहाँ पे बैठते हैं मतलब सुबह शाम दोपहर कभी भी आ जाते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम है आपका? शाम में आते ज़्यादातर, लेकिन आज तो धूप है, आप तो दोपहर में यहाँ रखे हैं, इसका वजह क्या है? मन किया कि चलो सुकून का जिंदगी मिलता है। हाँ तो भाई सुकून का जिंदगी चाहिए अजीत भाई, तो यहाँ आइए। ये व्यू देख रहे हैं भाई साहब, यहाँ पैसे बस बैठ जाइए, यहाँ बैठने का भी बहुत अच्छा कुर्सी व्यवस्था अच्छा खासा है, यहाँ बैठ जाइए। यहाँ पे मतलब सामने में गंगा नदी है और उस तरफ पटना शहर पूरा दिखता है, तो जो मज़ा आता है भाई कसम से, सही बता रहे हैं आपका जो बात आपने कही ना, सुकून की जिंदगी यहीं पर है। बहुत अच्छा है, गर्मी के लिए ज़बरदस्त है। मतलब गर्लफ्रेंड को लेके आना चाहते हो क्या, कैसा लगा? वी आर सिंगल ब्रो, वी आर सिंगल। बी सिंगल बी सेफ। आप अपनी राय कमेंट में डालिएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई पब्लिक से कुछ कहना चाहिएगा सपोर्ट करने के लिए? लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो कमेंट जी। तो फिर सीन्स बनते कुछ ऐसा वाला हो जाए। मेरे दोस्त लोग हैं और हम लोग यहाँ माहौल बनाने के लिए बैठे हैं और यहाँ पे सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। सीन्स बनते हैं कुछ ऐसे।
कहते हैं सुकून की जिंदगी, इसे क्या कहते हैं भाई आदित्य? सुकून की जिंदगी कहते हैं इसको, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी, हैशटैग सुकून की जिंदगी। सब लोग कमेंट करेंगे हैशटैग सुकून की जिंदगी। बकचोदी हो गया है, बहुत बकचोदी कर लिया तुम उतना देर से, तो अब क्या करते हैं, आपसे अच्छी बातें करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।